चलिए सभी को एक बार फिर से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा बेहद अच्छे होंगे और मजे में होंगे, जिंदगी बिल्कुल स्मूथ चल रही होगी। सरकार, जिस चीज का आप सभी इंतजार कर रहे थे, सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कब आएगा, सर दिल्ली पुलिस भर्ती कब आएगी, सेंटर की नौकरी कब आएगी, बेटा वॉइस बिल्कुल आ रही है, मैंने कुछ बोला ही नहीं है ना, मैंने कुछ बोला ही नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ तो शायद आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्कार मेरे बच्चे, सभी को नमस्कार। अब कमेंट नहीं करो, छोड़ दो सर, कोई दिक्कत नहीं, हट जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा आ जाइए फटाफट। बच्चा पार्टी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, कुल पद 6000 से भी ज्यादा आपका इंतजार कर रहे हैं। सर पुरुषों की भर्ती कितनी है, महिलाओं की भर्ती कितनी है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। योग्यता, सिलेबस, सैलरी, आयु, एग्जाम पैटर्न, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, किस तरीके से आप लोग इस एग्जाम को टारगेट करोगे, कितने दिनों में हम लोग प्रॉपर तैयार हो सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, और हमारे बीच एक मैथ्स के कहते हैं ना कि योद्धा है ना, फोटो दिख रही है बेटा, देखो मैं तो कमजोर सा लग रहा हूँ, ये योद्धा ही है ना। तो बेटा पार्टी आप देख पा रहे हैं, योग्यता वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, एसएससी ने मौज कर दी, बिल्कुल भाई मौज कर दी, अब तो कतई मौज कर दी है ना। एसएससी इतने मतलब कहते हैं ना, एक इतने एक्टिव मोड में आ चुका है बेटा, अब तो नहीं बच्चे वैसे बात करें सर नॉर्मली, एसएससी को लेके हमारे बच्चे एसएससी की बात भी कर लेते हैं दिल्ली पुलिस के अलावा, है ना। तो बेटा एसएससी में कह रहा हूं, इतने फास्ट पे आ चुका है मामला कि हर चीज अपने प्रॉपर टाइम पे हो रही है। उसी तरीके से सरकार दिल्ली पुलिस लेके आ रही है आपके लिए कांस्टेबल की वैकेंसी, दिल्ली पुलिस 2023, है ना। इसी बीच हमारे साथ मैथ्स के योद्धा राणा सर पधार रहे हैं बेटा, है ना, तो तालियों से हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। टोटल कितनी है आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या बताया 6433 है सर? जी सर, लिख दो बिल्कुल सर, बिल्कुल 6 जी मालिक। अरे नहीं ऐसे नहीं जाना सर, आप नहीं नहीं सर मैं बच्चों को, सर आप नाराज तो नहीं हो गए? अच्छा वैकेंसी है सर 6433, ये सर अप्रोक्स है, रुपेज कहां से आ गए सर, अप्रोक्स है सर, और इसमें सर लगभग हाफ हाफ है, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि अप्रोक्स मतलब हाफ हाफ कह लो, 3000 के आसपास, थोड़ा बहुत एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। सर जो मुझे पता लगा है अभी 2 मार्च, मतलब चंद दिन बाकी है जी सर, 2 मार्च को सर नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। ठीक है, उसी के बता रहा हूँ, 31 मार्च क्लोजिंग डेट लो जी सर, जी बिल्कुल, मैं बोलता हूँ देखो 31 मार्च है सर क्लोजिंग डेट, एज है सर 18 से 25, ठीक है सर 18 से 25 एज है, और रिक्रूटमेंट ऑनलाइन होगा सर, डेडलाइन बिफोर बता दी जाएगी, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एनरोलिंग बताई दी आपने 31 मार्च होगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिल्ली पुलिस सर्विस, यू कैन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, द दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल 6 वैकेंसी बताए, इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट होगा सर, ये 2 राउंड होंगे इसके, और अगर ऐसा ही है तो दिल्ली पुलिस के साइट को आपको रेगुलर एक बार विजिट करना पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने बात बोल दी गई है। ठीक है, और बस इसमें एलिजिबिलिटी सर 12th होती है, 12th पास होता है, 12वीं होता है, और बस इतना ही चल रहा है अभी तो, मतलब कि मेन मामला यही है कि आप थोड़ा सा रेडी हो जाओ। ठीक है, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, विमान उड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, होता क्या है, तुम लोग वेट करते हो कि सर फार्म आ जाए उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, और फिर तुम्हारा कुछ होता नहीं है। सेम होते ये वर्ड सेट के सेम, गांव वगैरह में यही चीज कही जाती है, अभी तो भर्ती नहीं आई, भी नहीं आया अभी, फार्म नहीं आया, पहले फार्म भरेंगे, फिर किताब ले आओगे 4, फिर पढ़ाई करेंगे। तो बेटा ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, बहुत भीड़ है ना, बहुत भीड़ है, और इस भीड़ में से आपको क्रीम की तरीके से सिलेक्शन लेके जाना है, तो मेरे भाई पहले ही आपको तैयार होना पड़ेगा। माय फेवरेट टीचर मोहित सर एंड अजय राणा जी, बहुत बढ़िया जी, और इसका जो बैच है सर वो केडी लाइव एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, और दिल्ली पुलिस का जो बैच है सर वो मुखर्जी नगर ऑफलाइन भी अवेलेबल, मुखर्जी नगर ऑफलाइन भी अवेलेबल है, तो आप मुखर्जी, अगर आपको ऑफलाइन मोड में पढ़ना है तो आप मुखर्जी नगर सेंटर की तरफ रन कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ना है तो अपने फोन में मात्र इतना टाइप करें और गूगल प्ले स्टोर से आप केडी लाइव ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आप इस बैच को ले पा रहे होंगे।
ठीक है, मतलब जो भी बैच है दिल्ली पुलिस का पढ़ लो बेटा, तैयारी कर लो, थोड़ा सा मेहनत से कर लो, ठीक है सर। इसमें एक और अपॉर्चुनिटी रहती है, सीपीओ का जो फॉर्म आता है ना सर, उसके बाद जब आप दिल्ली, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप टारगेट करोगे सर नहीं मुझे तो एसआई बनना है, तो भाई बनो एसआई, मैं बिल्कुल मना नहीं करता उस चीज के लिए। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल घुस जाते हो, डिपार्टमेंटली ठीक आप दिल्ली पुलिस मान लो कॉन्स्टेबल भी हो, तो आपके पास वहां से भी दिल्ली पुलिस एसआई बनने का सुनहरा मौका होता सर, जी सर, सीपीओ के थ्रू ही आ जाती सर वैकेंसी भी। उसमें एक और फायदा होता सर, दिल्ली पुलिस, अगर आप दिल्ली पुलिस के थ्रू जा रहे हो सर, कट ऑफ भी कम जाती, हाँ इनका फर्क रहेगा थोड़ा सा। कोटा मिलेगा ना दिल्ली पुलिस का, ठीक है। तो सर इसमें कंपटीशन यहाँ कम हो जाएगा इनके लिए फिर, तो मतलब आप दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ, ठीक है, हम ये थोड़ा ना कह रहे कि आप कॉन्स्टेबल ही बने रहो पूरे जीवन भर भाई साहब, ऐसा कुछ तो शुरुआत नहीं तो है। करो अपने शुरुआत करियर तो की, करो, कांस्टेबल भी कोई कम नहीं होता मेरे हाइट है बच्चे। 170 सेंटीमीटर, 170 चाहिए होगी मिनिमम, इससे कम में पान नहीं चलने वाला, ठीक है। रेस चाहिए होगी 1600 मीटर की, 6 मिनट, ठीक है। और सारी चीजें हैं वो आप एक बार पढ़ लो, नोटिफिकेशन आने दो, चलिए लेकिन सबसे पहले पढ़ाई शुरू कर दो मेरे बच्चे। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो मुखर्जी नगर आके ऑफलाइन बैच पढ़ सकते हो, फेस टू फेस, जहां पे टीचर बिल्कुल आपके सामने होगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा दूर रहते हो, तो ऑनलाइन बैठ के आराम से सिलेबस पढ़ के लिए सकते हो। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे बड़ा सब्जेक्ट मेरे सामने खड़े हुए माननीय रीजनिंग वाले भैया, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद है सर। सर, उसी के हिसाब से लिख रहा हूँ सर। देखो जीएस जीएस वेटेज सबसे ज्यादा, ज्यादा समझ गए वेटेज मैं, है, उसके बाद रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, फिर मैथ्स उसके बाद सर मैथ्स मतलब कम है, बहुत 20, कम है, 15 नंबर का मामला 15 का है, वो, 25 का ठीक। वो, हाँ, और फिर उसके बाद कंप्यूटर सर कंप्यूटर है सर, 10। बस 10 नंबर का ये हो गया, 15 का ये हो गया, 25 ये हो गया, और 50 के आसपास ये हो गया, जीएस जी सर, सही है ना सही सही, सर? बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही है सर, मैम राइट सर। तो बेटा ये आपका सिलेबस रहने वाला है जी सर, जी बेटा, अभी ये टेंटेटिव है ना, क्या तो थोड़ा सा इसकी चीज के बारे में कॉन्स्टेबल अभी में वैकेंसी? बराबर सर आ रहा, अभी इसका अपडेट हो चुकी है, ये अच्छा, पहले की थी, इसके बाद अपडेट हो चुकी है, तो बिल्कुल डिटेल में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग आपके मैंने सामने तो होंगे। इसमें 2123 दिखा रहा है पुराने वाले में, अब ठीक बराबर है। के अभी आसपास वाले है में आंसर, 3000 पड़ा है मैंने, हाँ मैंने तीन भी हजार यही सुना। टेंटेटिव पड़ा है, तो मतलब 6000 का टोटल 3-3 हजार, मतलब हाफ इसीलिए बोल देगा, मतलब लमसम थोड़ा सा 100-200 इधर इधर, कोई गलत तो बात बेटा नोटिफिकेशन का वेट मत करो, ऑनलाइन पढ़ना है केडी लाइव ऐप पे जाके आप बैच परचेज कर सकते हो, और अगर सर। ऑफलाइन आई एम पढ़ना है फ्रॉम तो मुखर्जी नगर। कसरी, स्टडिंग इन केडी कैंपस, कैन आई अप्लाई इन दिल्ली पुलिस? बिल्कुल, डेफिनेटली अगर भारत के नागरिक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से आते हैं वो मैटर ही नहीं करते। ये कह रहा कब तक आएगी भाई, 2 मार्च को पेपर फॉर्म भरने की शुरू हो रहा है, तो 2 मार्च तक तो आई आ जाएगी है ना, और 2 मार्च कितने दिन रह गए, इधर के रह गए कितने, 5, और उधर के रह गए 2, एक हफ्ते में आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा आराम से तैयारी करो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल, ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ो, ठीक है, चलिए। बहुत